हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए कुछ इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूं 28 दिसंबर के लिए। और यहां पर मैंने जो आपको 27 दिसंबर के लिए जितने भी कॉल दिए थे उन सभी में हमारे मोस्टली स्टॉक्स में टारगेट अचीव हो गए थे। और यहाँ पर मैंने जो आपको प्रेडिक्शन की थी निफ्टी के लिए, जो गैप अप ओपनिंग के लिए कि गैप अप ओपनिंग देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी प्लस रहेगा, बाकी मोस्टली स्टॉक्स में हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर वैसा ही हुआ था डेफिनेटली। और उससे पहले भी जो मैंने आपको निफ्टी की प्रेडिक्शन दी थी उनमें भी वैसा ही हुआ था जैसा मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँगा कि निफ्टी की कैसी चाल रहने वाली है कल के लिए, और जितने भी स्टॉक्स हैं इंट्राडे के लिए जो हमें प्रॉफिट करवा सकते हैं उस पर भी नज़र रखिएगा आप। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कॉल्स जो हमको 28 दिसंबर के लिए प्रॉफिट करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये रहे वो 28 दिसंबर के लिए कॉल जो मैं आपको इंट्राडे के लिए देने वाला हूँ। तो उससे पहले हम देख लें कि पिछले जो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे उनमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जितने भी स्टॉक्स दिए थे उनमें क्या रहा है। देखिए निफ्टी में तो जो मैंने आपको बताया था गैप अप ओपनिंग रहने वाली है, मोस्टली स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग होने वाली है, तो सभी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी अच्छी खासी। तो वहाँ तो हमारा निफ्टी में अच्छा खासा प्रोडिक्शन काफ़ी सही रहा है। उससे पहले भी जो दिया था मैंने आपको निफ्टी का प्रोडिक्शन तो वो भी एकदम करेक्ट था। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए स्टॉक्स में मैंने आपको रिलायंस दिया था, रिलायंस में हमारा टारगेट हिट हो गया था, IFCI में हमारा टारगेट हिट हो गया था, और मैकडावल में भी हमारा टारगेट आ गया था, ACC में भी हमारा टारगेट आ चुका है, और गोदरेज इंडस्ट्री में हमारा लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं। अपोलो टायर्स में भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा, तो ऊपर का लेवल जो मैंने आपको दिया था बाय करने के लिए तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। और NBCC में हमारा टारगेट आ गया था, इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। कैनरा बैंक में हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया था। बंधन बैंक में सिर्फ ऐसे लाया है क्योंकि ये ओपन होते ही साथ थोड़ी सी बढ़त दिखाई और वहाँ पर पूरा का पूरा नीचे गया है, इसलिए इसमें ऐसे ला गया था, कुछ ही पॉइंट से ये इसका टारगेट चूक गया था और यहाँ पर हमको ऐसे देखने को मिला है। और मोस्टली स्टॉक्स में ऐसा ही हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं अब आपको स्टॉक्स देने वाला हूँ उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। बायोकॉन में भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो यहाँ पर गाइस सभी टारगेट अचीव हो गए थे। तो अब देखते हैं हम 28 दिसंबर के लिए जो कॉल्स मैं आपको देने वाला हूँ तो इसमें क्या रहेगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको अगर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, आप खुद से भी ट्रेड कर रहे हैं, लॉसेस हो चुके हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप से चैट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सर्विस ज्वाइन कर काम करना होगा जिसमें मैं आपको सिर्फ एक या दो कॉल देता हूँ जिसमें प्रॉफिट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसमें टाइम ज़रूर लगता है बट टारगेट आपको 1% नहीं, वहाँ पर थोड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उसका स्पेशल कॉल के साथ। तो गाइज़ आपको अगर मेरी सर्विस ज्वाइन करनी है तो आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, मेरे जो नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके मेरी सर्विस ज्वाइन कर भी काम करके देखें, इससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ होगी क्योंकि इधर पर 10 कॉल दिए जाते हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा, मार्केट ओपन होते साथ आप शायद कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे किस में मैं ट्रेड करूँ, तरीका नहीं मालूम है आपको। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको अगर सिर्फ एक या दो कॉल दिए जाए दिन भर में, और वो उसमें आपको प्रॉफिट निकलता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है पूरे दिन मार्केट को। तो वहाँ आप लंबे टाइम के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पर टिके रह सकते हैं इंट्राडे में और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बता दूं कि कल निफ्टी में क्या चाल रहने वाली है। तो निफ्टी का मैं आपको बता दूं कि अभी उसने गैप अप ओपनिंग लेकर थोड़ा सा गिरावट दिखाई है उसने, तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि जो ओपनिंग होगी नेगेटिव होकर पॉजिटिव भी जा सकता है या गिर भी सकता है, दो चीज़ें इसमें, तो ऐसा तो होगा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ ये हो सकता है कि नेगेटिव ओपनिंग देकर पॉजिटिव जा सकता है, इतना मैं आपको बता दूं कि मुझको मोस्टली ऐसा लग रहा है क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स में जितनी भी मैंने आपको बताया था गैप अप ओपनिंग के बाद उन्होंने वहाँ से गिरावट दिखाई है मोस्टली स्टॉक्स में, तो वहाँ पर जो ओपनिंग है वो नेगेटिव देखने को मिल सकती है। तो गाइज चलिए देख लेते हैं स्टॉक्स में कैसी बढ़त रहेगी। वैसे अभी जितने भी नेगेटिव स्टॉक्स मुझे दिखाई, मैं आपके बात कर रहा हूँ कि सभी ने नीचे की तरफ एक नेगेटिव पॉइंट दिखाया है, तो वहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी भी स्टॉक्स में, इसलिए मैं आपको सेल का कॉल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपको सेल के कॉल ना के बराबर दे रहा हूँ। मोस्टली हमको बाय के कॉल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जितने भी स्टॉक्स मुझे बाय के मिले हैं मैं आपको सिर्फ बाय के दे रहा हूँ,
मोस्टली स्टॉक्स में सेल करने की पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं आपको वो स्टॉक नहीं दे रहा हूँ। बट बाय के कॉल यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आप देखेंगे तो आपको बाय करके चलना होगा 254 से। आपका टारगेट रहेगा 256.55 का, और जो एसएल है वो रहेगा 251.50 का। और जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स में आपको सेल की पोजीशन लेकर चलनी होगी। सिर्फ टाटा मोटर्स में मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे मोस्टली स्टॉक्स हैं जिसमें कल गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक या दो ही स्टॉक दे रहा हूँ सिर्फ सेल करने के लिए। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में हम सेल करके चलेंगे 167.50 से। हमारा टारगेट रहेगा 165.80 का, एसएल रहेगा हमारा 169.20 का। यहाँ पर सर मुझको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे एक दिन पहले कल के मार्केट के लिए, इतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है क्योंकि निफ्टी की चाल समझ में नहीं आ रही। कल नेगेटिव ओपनिंग देकर ऊपर भी जाएगा या नीचे जाएगा वहाँ इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल वो नेगेटिव ओपनिंग लेकर पॉजिटिव जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बट पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं आपसे बोल दूँ कि हाँ डेफिनेटली ऐसा होगा, तो इधर पर मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कल के मार्केट में ही पता चल पाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कल का मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल रहने वाला है, तो थोड़ा बचकर ट्रेड करिएगा। तो जस्ट डायल में हम देख लेते हैं, जस्ट डायल में हमको सिर्फ बाइंग ही दिखाई दे रही है 5:10 से, और हमारा टारगेट रहेगा 5:15.10 का। हमारा एसएल रहेगा 5:04.9 का। और जो हमारा थर्ड स्टॉक है मारिको, तो मारिको में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं बाय का कॉल दे रहा हूँ, बट दोनों जो स्टॉक हैं एफएमसीजी के दो और स्टॉक हैं, जैसे कि आपका डाबर है और एक और स्टॉक है जिसमें मुझे नेगेटिविटी दिखाई दी थी, उन दोनों में मुझे लग रहा है कि गिरावट आएगी, बट मार्को में मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही पोजीशन दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मुझे बाय देखने को मिल सकती है। तो मार्को में मैं आपको बाय का कॉल दे रहा हूँ 379.35 से। हमारा टारगेट रहेगा 383.15 का। हमारा एसएल रहेगा 375.60 का। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो माफ़ करिएगा बेटे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर 10:30 का टाइम हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम लग सकता है वहाँ पर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। तो एनएमडीसी में हम सेल करके चलेंगे 91.55 से। हमारा टारगेट रहेगा 90.60 का, और एसएल रहेगा हमारा 92.47 का। और जो हमारा सेवन कॉल है वो अजंता फार्मा का, सॉरी सिक्स कॉल है हमारा अजंता फार्मा का। तो अजंता फार्मा मुझे बाइंग दिखाई दे रही है 1186.30 से। हमारा टारगेट रहेगा 1198.20, और एसएल रहेगा हमारा 1174 का। और जो हमारा सेवन कॉल है पीसी ज्वेलर का, तो पीसी ज्वेलर में आज भी 5% तक की बढ़त रही थी, देखने को मिली थी। जेपी एसोसिएट में अच्छी खासी बढ़त आई है और काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है कुछ स्टॉक्स में। और जो रुचि सोया है, रुचि सोया में मुझको लग रहा था कि 6 के नीचे आएगा तो मैं अपनी होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। अभी तो मेरी होल्डिंग है रुचि सोया में, बट 3 दिन से उसमें अपर सर्किट ही देखने को मिल रहा है 10-10% का, और वो 30% तक अभी बढ़ चुका है। तो वहाँ पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, बट आप सभी को बता दूँ कि अगर वो अभी गिरावट देता है तो 7-6 रुपये तक के लिए रुकिएगा, कि 6 रुपीज़ के आसपास आपको प्राइस अगर मिलता है तो वहाँ पर आप उसमें होल्ड करके चलिएगा। बट अभी तो वो 8 रुपये के भी ऊपर आ चुका है, कोई नहीं, चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। और यहाँ पर पीसी ज्वेलर में हम बाय करके चलेंगे 86.50 से। हमारा टारगेट रहेगा 87.95 का, और एसएल रहेगा हमारा 85.60 का। जो हमारा एट्थ कॉल है वो है बाटा इंडिया का। तो बाटा इंडिया में आपको देखने को मिला होगा इतना ज़्यादा मजबूत स्टॉक है बाटा इंडिया, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैली भी बनी हुई थी, बट यहाँ पर 2 दिन से एक गिरावट देखने को मिली थी आपको, एक ही गिरावट, ये ज़्यादा मायने रखती है। और इसने रिवर्सल भी ले लिया था पूरी तरह से, और यहाँ पर देखिए रिवर्सल आने के बाद दूसरी जो सेकंड डे है उधर पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक मजबूती अभी भी बनी हुई है। तो हम बाय करके चलेंगे 11:39.70 से। हमारा टारगेट रहेगा 11:51 का, एसएल रहेगा हमारा 11:28 का। और ऐसे ही एक और स्टॉक है पीसी पीवीआर, पीवीआर में भी आप देखेंगे तो बाटा इंडिया से ही आपको एक रैली दिखाई देगी, बहुत ही स्ट्रांग रैली है इसमें। और यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको दिखाई दी होगी कि एक दिन गिरावट देखने को मिली, दूसरे दिन रिवर्सल क्रिएट किया नीचे जाकर, और फिर इसने भी थोड़ा कंफर्म किया
कि यहाँ पर भी मजबूती बनी हुई है, तो यहाँ पर भी हम बाय करके चलेंगे 1590.40 से। हमारा टारगेट रहेगा 1606.30 का, एसएल रहेगा हमारा 1574 का, और हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है डीसीएम श्रीराम का। तो डीसीएम श्रीराम में यहाँ पर मुझे सिर्फ शॉर्ट की ही पोजीशन दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी बनी हुई है इस स्टॉक में। पहले इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त भी देखी, इसमें वॉलीटाइल बहुत ज़्यादा रहता है ये स्टॉक, अगर चलता है तो बहुत तेज़ मूव करता है। तो डीसीएम श्रीराम में हम शॉर्ट करके चलेंगे 329.85 से, हमारा टारगेट रहेगा 326.55 का, एसएल रहेगा हमारा 333.1 का। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने पूरे 10 कॉल्स कंप्लीट कर चुका हूँ, बस यही उम्मीद करूँगा कि सभी को इंटरडे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो, सभी मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकें। और आपको अगर इतने सारे स्टॉक्स में कन्फ्यूज़न होता है, आप खुद से भी ट्रेड कर रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, आपको वहाँ रिकवर करना चाहते हैं बट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जितना भी लॉस है उसको रिकवर करने में कोशिश कर पाएँ, कि जल्द से जल्द हो पाए। तो गाइज अगर आपको सर्विस ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।